Hey guys, this is Khalid Khan and once again welcome to the my channel Clever Coder Khalid. दोस्तों जैसा कि पिछले के वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में समझे थे, सी लैंग्वेज क्या होता है, आज सी लैंग्वेज का सबसे पहला प्रोग्राम बना करके देखेंगे, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। बेसिकली आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का ही बनाया जाता है, और हेलो वर्ल्ड से जुड़ी कुछ और भी चीज़ों को हम जानेंगे। और दोस्तों सबसे पहले मैं कोडिंग लिख दूंगा, इसमें सारी की सारी कोडिंग कर दूंगा, जो भी 3 से 4 लाइन की कोडिंग होगी मिनिमम, और उसके बाद में वन बाय वन एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा और आप लोग ध्यान से समझिएगा। दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने पूरा प्रोग्राम लिख दिया, इसमें अब एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा और आप लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं लिखा हूँ हैश इंक्लूड stdio.h। यहाँ पर stdio.h का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। दोस्तों हम इसे क्यों लिखते हैं? हम लोग अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज करेंगे जिसकी डेफिनेशन इसी stdio.h फाइल में लिखी हुई है, इसीलिए हम इसको stdio.h को इंक्लूड करते हैं। जब भी आप सी में कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे, कोई बड़ा प्रोग्राम या छोटा प्रोग्राम, तो आपको stdio.h फाइल को हमेशा इंक्लूड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यही लिखना पड़ता है, इस फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपने प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस को यूज करेंगे जिसकी डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है, stdio.h में लिखी हुई है। ऐसे फंक्शंस को हम प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं जिसकी डेफिनेशन पहले से ही लिखी हुई होती है। हम उस फंक्शन को सिंपली कॉल कर लेंगे, जो भी हमारा पर्पज होगा उस पर्पज के लिए अपने अपने प्रोग्राम में उस प्री डिफाइंड फंक्शंस को कॉल कर लेंगे और वो वर्क करेंगी और वर्क करने के बाद अपना चले जाएंगे। दोस्तों इसी तरह से एक प्री डिफाइंड फंक्शन प्रिंटएफ है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और सिंपल सिंटैक्स इसका यही है, जब भी हम इसको लिखेंगे इसी तरह से लिखेंगे, प्रिंटएफ और एक ब्रेसेस रहेगा और उसके बाद डबल कोट्स रहेगा और फिर सेमी कॉलन। सेमी कॉलन हर स्टेटमेंट के बाद लगता है, इससे प्रोग्राम यहाँ से इसका स्टेटमेंट यहाँ से टर्मिनेट हो जाता है, ये टर्मिनेटर है, यहाँ से स्टेटमेंट ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अब इस प्रिंटएफ का क्या काम है? प्रिंटएफ का काम सिर्फ इतना होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को डिस्प्ले पे प्रिंट कराना चाहते हैं, जब भी हम चाहते हैं कि कोई चीज़ डिस्प्ले पे प्रिंट हो जाए, और वो चाहे नंबर हो, चाहे अल्फ़ाबेट हो, चाहे सेंटेंस हो, कुछ भी हो, तो प्रिंटएफ फंक्शन को हम कॉल करते हैं। और प्रिंटएफ फंक्शन के अंदर यहाँ डबल कोट्स के बीच में जो भी कुछ हम लिखेंगे वो एज इट इज वो जा करके डिस्प्ले पे प्रिंट हो जाएगी, और इसीलिए हम लोग अपने हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में प्रिंटएफ फंक्शन को कॉल किए, क्योंकि हम लोगों को डिस्प्ले पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। अब हम इस डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, जो कि डिस्प्ले पे जाके प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, जो है वर्ड मेन। मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में एक ही होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई 1000 लाइन का 2000 लाइन का प्रोग्राम है तो उसमें कितने मेन फंक्शन हो सकते हैं, तो आपका यह आंसर होगा कि सिर्फ एक ही मेन फंक्शन हो सकता है। एक प्रोग्राम में सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होते हैं, एक से ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं होता है। दोस्तों मेन फंक्शन हमें हर प्रोग्राम में लिखना पड़ता है, हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन लिखना ज़रूरी है, मेन फंक्शन के बगैर आप प्रोग्राम नहीं लिख सकते। मेन फंक्शन का सिर्फ यही वर्क होता है कि मेन फंक्शन के जो बॉडी होती है वो दो कर्ली ब्रेसेस से बनी होती है, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट हम लिखते चले जाएंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते चले जाएंगे, मेन फंक्शन उन इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता चले जाएगा और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा कम्प्लीटली, जब पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हो जाएंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख दिया हूँ, डिस्प्ले पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आएगा। ये देखिए डिस्प्ले पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया है, जैसा मैंने प्रिंटएफ में लिखा था सेम टू सेम वैसे ही प्रिंट हुआ है। ये प्रिंटएफ का काम है, ये प्रिंटएफ प्री डिफाइंड फंक्शन का काम है। जब भी हम अपने प्रोग्राम में किसी चीज़ को प्रिंट कराएंगे तो वो प्रिंटएफ फंक्शन के थ्रू ही प्रिंट कराएंगे, उसकी ही हेल्प से प्रिंट कराएंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, श्योरली आई विल रिप्लाई यू। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।